मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लालबाग चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगना है, जिसको लेके लेट लतीफी हो रही है। इस पूरे मामले को लेके भीम आर्मी सेना सहित विभिन्न संगठन नगर निगम पहुंचे थे। यहां पे पहुंच के उन्होंने नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है, धरने पर बैठ गए वो नगर निगम के अंदर ही। और कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव से पूछा कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि दो बार टेंडर निकाले थे लेकिन कोई निविदा नहीं आई थी, अब तीसरी बार निकाला है और ये 15 लाख रुपए का टेंडर है। जो प्रतिमा बनेगी उसको बनाने वाले भी बहुत जल्द बुरहानपुर आने वाले हैं, एग्रीमेंट होगा। बहरहाल इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आप देखिए किस तरीके से महिलाएं पुरुष नगर निगम में ही बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी पहुंचे हैं, भाजपा के युवा नेता गजेंद्र पाटिल पहुंचे हैं, रवि सिंगोतिया हैं, दत्तू मेरे हैं और भी कई सारे लोग हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कहा कमिश्नर ने, क्या कहा समाज जन ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। यहाँ पे सागर टावर लालबाग में जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की काफी समय से जो डिमांड चली आ रही है, मांग चली आ रही है, उसमें ऐसा लगा है कि माननीय आयुक्त महोदय के तरफ से देरी हो रही है और उसी देरी को जल्दी से करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए थे। अभी आश्वासन नहीं, अभी सर ने जो लेटर था उसके टेंडर का मूर्तिकार के, वो टेंडर 25/11 को उन्होंने निकाला है और मूर्तिकार से भी बात हुई, हमारी भी हुई और आयुक्त महोदय की भी हुई, तो उन्होंने शनिवार के दिन आने का कहा है और जो आगे की प्रक्रिया है वो उस दिन करेंगे। माननीय भारत बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना पर नगर निगम का निर्णय था, प्रतिमा का तीसरी बार में टेंडर सक्सेसफुल हुआ है और 25 नवंबर को ठेकेदार को उनके दर 15 लाख रुपए कोर्ट की थी, उनकी दर स्वीकृति और उनको एग्रीमेंट करने की सूचना दी है, मेल पर भी अभी प्रतिनिधिमंडल आया में ठेकेदार से भी बात हुई, उन्होंने शनिवार को आके एग्रीमेंट करने का, शनिवार को आके वो एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट के तुरंत बाद उनको प्रतिमा प्रदाय का कार्यादेश भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। आपसे मेरी पिछले सप्ताह बात हुई और आपसे कहा था कि उसको एग्रीमेंट को करके सीधा चली जाए, बात है ना। ये जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब।